इन्हें हवालात में बंद करें, चलें। हेलो, हाँ शफी पीर कड़िया वाला। हाँ सही, क्या हाल है? हाँ कैसी जा रही है मिनिस्ट्री? मेरा मतलब है कुछ बनाया बनुआ है कि नहीं? भैया कुर्सी होती किस लिए है? अच्छा सुनो, एक काम करो मेरा। हेलो, जो आदमी पकड़े हैं उन्हें छोड़ दो। व्हाट सर जी, आप क्या कह रहे हैं? जो कह रहा हूं वही करो। इसके बावजूद मैं ये सब नहीं कर सकता। ताहिरा का केस बहुत कुछ साबित करेगा सर। हमें सबूत मत बताओ। आई एम सॉरी सर। क्या बक रहे हो? सर मैं बक नहीं रहा, मैं तो अर्ज कर रहा हूं। और अगर मुझे कार्रवाई से रोका गया तो मैं... तुम ऐसा करना, इस्तीफा दे दो, हम कबूल कर लेंगे। इस्तीफा तो मैं नहीं दूंगा सर। तो फिर वो बंदे छोड़ दो। बंदे छोड़ देता हूं सर, किसी और दिन और किसी और वक्त उन पर पक्का हाथ डालने के लिए। एक्सेप्टर साहब को बुलाओ। हेलो जी जकी साहब। अच्छा, वेरी गुड, इसका मतलब है कुदरत हमारा साथ दे रही है। मैं बस आ रहा हूं। जोरा भाई की कोठी से जो बंदे पकड़े हैं ना, उन्हें छोड़ दो। इधर आइए। थैंक यू सर। सर ये है वो गधा जिसने इसे जहर देने की कोशिश की, आप इसे पूछें। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद रमजान। तो तुमने इसे जहर देने की कोशिश की? माई बाप माफ कर दे। किसके कहने पे ये हरकत की तुमने? सर एक आदमी काले चश्मा पहने हुए था और लंबी नाक और दाढ़ी वाला था, उसने कहा पीर साहब का हुक्म है। पीर साहब? ये पीर साहब कौन है? कौन है ये पीर साहब? एक ऐसा शख्स जो तुम्हारी जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद करना चाहता है, उससे वफादारी निभाकर यह साबित करना चाहते हो कि वफादार लोग सरातर बेहिस, अहमद बेवकूफ और गधे होते हैं। और तुमने अपने फर्ज को कितने में बेचा है? हुजूर, जिंदगी में 50,000 रुपए की रकम इकट्ठी मिली और मैं अंधा हो गया। तुम्हारी जान की कीमत सिर्फ 50,000 रुपए? सिर्फ 50,000 रुपए में तुम्हारी बीवी बेवा और बच्चे यतीम हो जाए, ये तुम्हें मंजूर था? जबान खोलना मंजूर नहीं। मंजूर है साहब, मंजूर है, पर मुझे इस हैरत और खौफ से तो निकलने दे कि वही शख्स मेरी जान लेने पर तुल गया जिसकी जान बचाने के लिए मैं खामोश था। वो शख्स कौन है? कौन है वो शख्स? वो साहब, बोलो बोलो बोलो। पहले मुझे तो बताएं मेरा क्या होगा? हम तुम्हें सुल्तानी गवाह बनाएंगे, मंजूर है? जो अल्लाह को मंजूर है। मेरा बयान लिखे साहब। हवालदार इसे ले जाओ, रिकॉर्ड करो इसका बयान। ओके सर। इसे लॉक में बंद करवा दीजिए, मैं इसे देखूंगा। ओके सर। शफी पीर अब कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा। तारा बेटी, सानिया कहाँ रह गई? सानिया
सानिया? सानिया तो हमारे साथ नहीं है बुआ, कहाँ गई वो? मियाँ तुम्हें भी नहीं मिली? हनीफ मियाँ ने तुम्हारे यहाँ बहुत टेलीफोन किए कि शायद तुम्हें भी उसके बारे में कुछ मालूम हो। नासर, सानिया कहाँ जा सकती है? जस्ट रिलैक्स, मेरा ख्याल है कि अब तक जो कुछ भी हो चुका है मुमकिन है दुनिया को फेस करने की हिम्मत ना रही हो, उसमें चली गई होगी कहीं, शायद आ जाएगी। रिलैक्स, फिक्र ना करें आप, हम ले आएंगे उसे। तुम अपने पापा से मिली बेटी? नहीं नहीं बुआ, आपसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं कैसे जाऊं उनके सामने? मैं मिलवाती हूँ तुम्हें, चलो मेरे साथ। बदकिस्मत हो बेटी तुम, बाप से उस वक्त मिली हो जब वो ना तुम्हारे सर पे हाथ रख सकता है और ना तुम्हें बेटी कह सकता है। क्या मतलब? फालिज? सिर्फ जहन और आंखें जिंदा हैं इसकी। कमाल की बेटी और सानिया की बहन। कौन सी बहन? सानिया की कोई बहन नहीं है, उसके सिवा मेरी कोई बेटी नहीं है। और तुम एक तवायफ की बेटी हो। मेरी राखों में अहमद हसन कमाल का खून दौड़ रहा है। ये मेरा बाप है, ये मेरा अपना बाप है। अगर ये तुम्हारा बाप है भी तो अब तुम्हें अपनी बेटी कहने के काबिल नहीं रहा। और मैं बदनामी के इस चलते फिरते इश्तहार को शराफत का बुरका नहीं पहना सकती। चली जाओ तुम अपनी माँ के पास। बाबा, नहीं जाएगी ये। ये इस घर की बेटी है। ये इसका अपना घर है। ये मेरा निजी मामला है हनीफ। मालूम है मुझे ये तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि जिंदगी और मौत के दरमियान कितना फासला होता है। मैंने देखा है ये फासला जब धुएं और बारूद में लिपटे हुए कुवैत के एक शहर में अपने बच्चों और बीवी की लाशों के टुकड़े जमा कर रहा था मैं। लेकिन तुम लोग शायद
देख नहीं पाए। मैंने न जाने कितने आंसू अपनी हंसी की होठ में बहा दिए। ठीक है, मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं, चचेरा तो हूं। सिर्फ इतना कहूंगा, रिश्ता जोड़ना सीखो। ये शख्स जो न जिंदा है न मुर्दा, एक आलम बरसख में पड़ी हुई लाश की तरह बेहिस अहमद हसन कमाल, इससे इबरत सीखो। गले लगा लो ताहिरा को, जिंदगी भर भागती रही है अपनी असल की तरफ लौटने के लिए। दो रोज के लिए से अपनी मोहब्बत की सराय में रख लो, कल को चली जाएगी। था अहमद हसन कमाल, फालिज हुआ मर गया, यह है इंसान की हैसियत। सुने जी, फरमाइए। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन मर गया? आप तो इसे बहुत अच्छी तरह जानती होंगी, ये लें अखबार, खुद पढ़ लें। शहर के मशहूर आर्किटेक्ट अहमद हसन कमाल चल चल बसे। चंद हफ्ते पहले उन पर फालिज का शदीद हमला हुआ था। आखिरी दिनों में उनकी जिंदगी के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफात हुए थे। मुखालफीन ने उन पर उनकी बीवी के बाप का कातिल होने का इल्ज़ाम और बाजार हुसन की जोरा बाई का सबका शौर होने का ठप्पा भी लगाया था।